लास्ट टाइम कब जा रहे थे गारा को खेलने के लिए? ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े दे हवा ठंडी पानी लंडो। फाइनली एक लड़की हमें मिल गई जिसे गढ़वाली भाषा बोलनी आती है, इसी बात पे आपके लिए चॉकलेट अपनी तरफ से। मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा उड़ीसा से हो? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे 10 साल हो गए मैं जॉब करता हूँ आई टी फार्म में। अपने अच्छा गढ़वाली आती है आपको? नहीं, समझ में आती है। तो कुमाऊनी भाषा आती है? हाँ थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत क्या, बहुत 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 आती है। थोड़ी बहुत क्यों आती है, पूरी क्यों नहीं आती? तो दोस्तों अभी महाकौतिक का जो कार्यक्रम है आज उसका पहला दिन है और काफी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, लोगों की भीड़ भाड़ है, काफी लोग आ रहे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोगों से जाने का कैसा उनको लग रहा है आपको? क्या नाम है पंकज? कहाँ से? हम तो इसे दिल्ली से, पर पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से? पौड़ी में कहाँ से? पौड़ी से मारा है धुमाकू ट्रेन आना साइड। अरे आप लोग अपने गांव के हो? अयो पंकज भाई आराम से बढ़िया, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। क्या नाम है भाई आपका? भरकौन काटपाल है। हम काटपाल कहाँ के रहने वाले? बहुत ही मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ही याद आ रहा है। दिल्ली से नोएडा है स्पेशली। आप गड़ल बात करने की चलो तैयार करें, सुन ले मेरी बात, कोई गड़ल थे कोई जान सारी थे, सभी तो न्याय ना समझो बात होते बात तुम्हें ठीक बात है, लेकिन भाषा होनी चाहिए जो पर हो मनवाल अब आपको पता लगे तुम अपन नैनाना का जाओ गढ़वाला का जो गड़ल कैसा तुम्हारी बात ठीक है ना। तुम अगर आप सवाल कर लेना स्टार्ट कर लेना तो और भी मेरे अंदर स्टार्ट कर ले। एक एक बोलने भी तुम याद है, आपका नाम क्या है? गाँव को चैड चैड बाबा मिलो कल लगन चाहते है गारक खातिक भी खेल रही गारक खातिक भी खेल रहा क्या गारक गारक खातिक देख रहे गारक देख रही क्या नून गारक होते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम कब जा रहे थे गारक होते खेलने के लिए? घर पता तो क्या घर पता तो क्या गण बल्दी घर है? अरे घर को घर को घर है। अरे घर के लिए घर के लिए मतलब जानता चौपुर का हूँ घर जानता चौ। लास्ट टाइम कब गए? पिछले महीने पिछले महीने। आपका नाम? भावना। भावना आप उत्तराखंड से हो? नहीं फिर कहाँ? राजस्थान से। राजस्थान कैसा लग रहा है उत्तराखंड की कल्चर? बढ़िया लग रहा है। गानों में डांस किया? हाँ जी पूरा। गाने समझ में आए कुछ? कौन से गाने? सारे आते हैं। एक सुना दो चलो एक गाना सुना। नहीं मैं भी सुनाऊं। अरे सुनाओ सुना एक गाना सुना एक गाना। अभी आपने कहा सारे गाने आते हैं तो सुनाओ समझ में आते हैं कोई आता है वैसे बोलना भी थोड़ा बहुत आता है। एक गा दो चलो एक गा दो हमारे उत्तराखंडी लोग खुश हो जाएंगे। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े दे हवा ठंडी पानी आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण है। कहाँ से हो आप? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कहाँ से? पलदोड़ी गांव। अच्छा गढ़वाली आती है आपको? नहीं समझ में आती है बस। अच्छा बोलने क्यों नहीं आती? क्योंकि हम ज्यादातर गढ़वाल में नहीं रहने दिल्ली में रहते हैं छुट्टियों में जाते हैं गाँव। अच्छा आपको पता है बिहारी को बिहारी जरूर आती है क्या बंगाली को बंगाली जरूर आती है लेकिन हम गढ़वाली को सिर्फ गढ़वाली समझ में आती है बोलनी नहीं आती है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सीखूं। कहाँ आपने कैसे कोशिश करी? मेरी दादी है ना घर में। अच्छा दादी से सीखना चाह रहे थे? दादी बोलती है घर में दादी हिंदी बोलती है। आपको पता है कि कुछ ऐसी हमारी अब संस्थाएं भी हैं जो गढ़वाली कुमाऊनी क्लासेस चलाती हैं वहाँ से भी आप गढ़वाली कुमाऊनी सीख ऐसा कुछ पता आपको? नहीं है मुझे नहीं पता था। अभी अगर पता लगेगा तो सीखोगे? जरूर सीखूंगी मैं तो चाहती हूँ। अच्छा अच्छा धारा कौतिक बढ़िया लगे थे की यका कौतिक बढ़िया लगे? बढ़िया दुर्गा पार्क दुर्गा पार्क। अच्छा एक बढ़िया गाना पर गढ़वाला जो तो उत्तराखंड सबसे बड़े गाना जो होता है ठंडो रे क्या बात है चलो। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो
ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ऐच उच यू हिमाल ठंडो ठंडो नीसो गंगा जी को छाले ठंडो ठंडो पया चंचना पंडार ओ पया चंचना पंडार चंदू गाले ढालेदार रोला पाग पुलदार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा आपको बहुत बढ़िया सिंगर है। आपका सुनना मेरा नाम सुमनन कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड नैनीताल क्षेत्र से जिला से नैनीताल से जिले से। तो कुमाऊनी भाषा आती है? हाँ थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत क्यों आती है, पूरी क्यों नहीं आती है? तो कंफर्म बोल सकते हैं हम पहाड़ी में बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं गढ़वाली में बोलूँ तो आप उसको समझ जाओगे? तो मैं कुमाऊनी भाषा से हूँ तो मैं गढ़वाली मतलब उसको हाँ हाँ बोल सकते हो बिल्कुल। अच्छा चलो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चिमानंद है। अच्छा आपका गांव और ब्लॉक जिला क्या है? क्या नाम थे गाँव? मैं जिला नैनीताल क्षेत्र बितालगढ़ छे और गाँव नाम जोशीफुला। अच्छा जो जो सबसे बढ़िया आप तो उत्तराखंड में क्या जगह लगन आपका घूमना खड़ा है सबसे बढ़िया जगह अगर बोली जाते क्या बढ़िया जगह लगता है? फिलहाल मैं नैनीताल जिले में बच्चे तो यार मुझे नैनीताल बहुत बढ़िया लागू, बहुत बढ़िया लगा। उसकी झील बहुत बढ़िया लगी और घूमने वाली लाइट बहुत देश देश विदेश में लोग घूमो वाली। घर कौतिक बढ़िया लगे देखी कौतिक सब बढ़िया लागू आपको कौतिक बढ़िया लागू पहाड़ी लोग मिलना थी दूर दराज। हाँ हाँ नई नई लोग मिले आपको उत्तराखंड लोग मिले नई नई जिला के लोग मिले इतने में बढ़िया लागू थोड़ा। आपका शुभ नाम? हिमानी। हिमानी कहाँ से आप उत्तराखंड? चंपावत। चंपावत से मतलब गढ़वाल से हो? कुमाऊं से। चंपावत के अभी एक इंडियन आइडल भी जीते हैं। कुमाऊं नहीं आती आपको? समझ आ जाती बोलनी थी नहीं आती। समझ ही क्यों आती बोलनी क्यों नहीं आती? समझ आ जाती बोलनी नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो और प्रदेशों की मैं बात करूं बंगाल के बिहार के पंजाब के अलग अलग लोग मैं बात करूँ वो लोग यही रहे बोले लेकिन उनको अपनी भाषा आती है लेकिन हम उत्तराखंडी लोग जाते रहते जो अपनी भाषा भूल गए। आपको लगता है कि इसका भी प्रॉपर होना चाहिए मैं आनी चाहिए? हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि आगे जाके किसी कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा जिसको कुमाऊनी या गढ़वाली आए। आजादी का नहीं की पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कहाँ से? मेन पौड़ी खोला चौरी। खोला चौरी। अच्छा आपको गढ़वाली भाषा बोलने आती है? आती है। तो फाइनली एक लड़की हमें मिल गई जिसे गढ़वाली भाषा बोलनी आती है इसी बात पे आपके लिए चॉकलेट आती है और आज क्रिसमस पे। अच्छा इन्हें बताओ कि घारक जो कौतिक होंगे वो कद का बढ़िया लगे नदी का कौतिक जो होते कद का अंतर देखना चाहो आप? घर की जो कौतिक होती वो ज्यादा अच्छी लगती है मैं पे कि वेगी रंगत चौड़ी ये तो थोड़ा मॉडर्न वेगी होती है जो की अपना ही पहाड़ी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दुनिया का कौतिक हो मतलब आप देखना चाहो और प्रदेश का भी लोग आया थी कोई बिहार बैठे की जो मतलब अलग अलग लोग हर लोग का हम अपना कल्चर दिखाना चाहो ये भी एक पॉजिटिव है इतने की ये तो पॉजिटिव है कि हम दिखा सकते हैं अपना कल्चर और वो पसंद भी करते हैं वो हमारा जो भोजन जो वो खाना भी चाहते वो एक बहुत गौरव की बात है। मेरा नाम अमित है। आप क्या गाँव का चोरी? मैं खोला चौरी पौड़ी से। हाँ पौड़ी खोला चौरी। अच्छा घर कब गया था लास्ट टाइम? मैं घर गया था अभी दो महीने पहले। दो महीने पहले मेला में जागर हूँ कि मेला मेला सोना अच्छा बताओ कि जो हमारा उत्तराखंडी भाई बहन थी आप लगन हो जो कौतिक होने चाहिए एक माध्यम से हमारा उत्तराखंड भाई बहन मिला ला एक जो जानकारा कौतिक होने के मिलता है हम तो इन प्रयास सच्ची कौतिक का कोई माध्यम से एक तो पॉइंट जो उत्तराखंडी भाई बहन सब मिल जाला और दूसरे जो भी चाहिए हमारे जो कल्चर छे हम तो मतलब सब बता रहे कि हमारा कल्चर क्या है अब हमारी जो जनरेशन है वही ने बता ली कि हमारे कल्चर क्या है और उत्तराखंड में पता लग गया। दोस्तों अभी माँ कौतिक चल रहे थे न्योडा स्टेडियम और हमारे एक दीदी जी को जो स्पेशल लिख रहा हूँ वेरी स्पेशल टी री नथ। तो दीदी सबसे पहले आपका शुभ नाम?
या नाम पर मिला रहा के गांव को चापटी के डालो ना मैं गांव पौड़ी पाबो जने सनी होना गांव अच्छा पौड़ी पौड़ी पाबो पाबो ब्लॉक है आ जो है टीरी का नत भेजा तो टीरी स्पेशल नत तो नहीं टीरी स्पेशल नत टीरी स्पेशल नत मैं तुम्हें पैरी च भाभी च और मैं ये दिखा सकता हूं मैं बहुत अलग अलग डिजाइन बनाए चबर टीरी मां क्योंकि टीरी बहुत पसंद करती हूं टीरी करो अच्छा कमाओ नत भी छी ना और अपने को तो खाना भी छी ना तो ना थी होने ना वो हम लोग को तो कितनी रिजाय वो जा ना तो एक ही जा बिगड़ा सी ना तू बहुत बड़ी बिगड़ा सी ना वो बात वगैरह सब तो सारे दिन उत्तराखंड के लोग लेना चाहिए और बिहार के भी लोग अब इतना मैं सामान के साथ ना अपने पुणे का घोड़ा है जा तो अभी जो उत्तराखंड से बनके धूप आई है हमारे राकेश रावत जी देवभूमि दर्शन धूप के नाम से यहाँ पे सेल कर रहे हैं और अभी हमने उत्तराखंड महोत्सव में भी उनका प्रचार प्रसार किया था काफी अच्छा रिस्पांस उनको मिला था रावत जी महाकौशिक का 5 दिवसीय कार्यक्रम अच्छा रिस्पांस मिलेगा लोगों का प्यार मिलेगा मुरली भाई का बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वाला इंटरव्यू में जो आपने पूछा मेरे से और जो मैंने लोगों के साथ शेयर किया आपके चैनल के माध्यम से उसमें ये लगा लीजिए 11 लोगों के रिस्पॉन्स आए और अच्छे अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भले ही मिलेगी थोड़ी कल ये बारे पूछ कल धूपति बारे पूछ कल मतलब कि कई जगह हम देखा चाहता था मतलब हम ये काम मतलब जो करना चाहा ये मतलब वाह वाह करना है निकला वाह नहीं मतलब जो जब मैं जो हम तक मतलब जो हम तक संतुष्टि थी हम तक क्या बोलते मेरे सभी ने जो संतुष्टि थी जितेंद्र भाई भी है जो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है जितेंद्र भाई दो को ले आए बीते चले बोले बिल्ली भाभी जी कहने के सबसे पहले प्रदीप भाई ने आप तो धन्यवाद कर जरा आप मतलब उत्तराखंड की एक एक प्रतिभा को थके छुपी प्रतिभा को निकलता छोड़ प्रतिभा आप असली प्रतिभा और भाई आज लहनो राकेश भाई ना मैं अमल जो टूर्नामेंट का ओपनिंग में बोले नहीं आया और चलो ये ले लेते यार अब आज हम तो समझ में आ गया राकेश भाई के लिए न्याय के लिए पीछे पहुंची है और ये सर हूं तरक्की दिन रहे हमें अरे नहीं वो आप काम पर कर रहे हैं एक भाई और है मेरे साथ भाई आपका शुभ नाम मेरा नाम सुनील कुमार साहू है कहाँ से हो आप मैं उड़ीसा से हूँ अच्छा उड़ीसा से हो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ यहाँ पे 10 साल हो गए मैं जॉब करता हूँ आईटी फार्म में बट मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे महाकौतिक हो रहा है एंड यहाँ पे जानने को मिला कि उत्तराखंड के सारे सामग्री एंड सारे यहाँ पे जो उनका कल्चर वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो मुझे काफी सही लगा यहाँ पे मैं कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ इसका खुशबू देखा आपने खुशबू इसका खासियत मुझे ये लगा कि इसका जैसे घर पे जो और धूप चलाते ना उसका जो जलन होता है आंखों में तो जलन होता है उसमें वो वाला चीज नहीं है ये ऐसा लग रहा है कि ये आपका अनोखी चीज तरक्की लेके आई है अनोखी चीज देखा कि हमें काफी वैरायटीज है बट मुझे टेस्ट कितना मैं ये ले रहा हूँ पता नहीं हाँ तो फैमिली फैमिली के साथ भी आने प्लान बना फैमिली के साथ रहेंगे डेफिनेटली वो इतने साथ देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी परचेस करेंगे वही बोरी भर के ले जाएंगे कार्यक्रम चल रहा है आपकी आवाज तक उठाइए अपने लोगों से मिलिए उत्तराखंड के कल्चर को जानिए तो पुलिस विभाग भी अपना जो है यहाँ पर पूरा फर्ज निभा रहा है इस भाग और सफल बनाने में और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मेरे साथ में सबसे पहले आपका सुनना उत्तराखंड कल्चर यहाँ पे प्रोग्राम हुआ उत्तराखंड कल्चर का आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अपना फर्ज निभा रहे हैं जो देखभाल कर रही है साथ में उत्तराखंड कल्चर का आनंद भी ले रहे हैं बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको ट्रेडिशन देख के हम लोग तो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है अरे हमें क्या क्या पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाया अभी से पहाड़ी खाने का डांस का लुत्फ उठाया इनके सॉन्ग्स तो समझ में आते नहीं क्योंकि इनकी लैंग्वेज आगरा से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे 2018 में उनकी नियुक्ति और काफी अच्छा आज यहाँ पे जो देख रहे हैं मैनेजमेंट बहुत बढ़िया विभाग द्वारा किया जा रहा है और 5 दिन के कार्यक्रम है ड्यूटी कितना घंटे की ड्यूटी आप फिलहाल यहाँ पे दे रहे हैं 12 बजे तो महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं है महिला पुलिस भी है जेंट्स पुलिस के सभी अपना अपना जो है यहाँ पे फर्ज निभा रहे हैं हाथ मारियो चलते रो रेशमे कुमार सच हाथ मारियो चलते रो काश
हुआ।